जो नया डॉग है उसका नाम है एस्कर्ट वॉम वेनेकन, और वो टोटली जर्मन ब्लड लाइन है। डॉग है उसका नाम है मैक्सिमस जर्मन, उसके पास ग्रैंड विनर अवार्ड है। फिलहाल इंडिया में किसी जर्मन शेफर्ड डॉग के पास वो अवार्ड नहीं है। तो अभी एट प्रेजेंट मेरे पास सभी जो कि है इंपोर्टेड जर्मन शेफर्ड हैं, वो जो कि अलग अलग कंट्रीज से हैं, लाइक रशिया, जर्मनी, सर्बिया, ऐसी अलग कंट्रीज से हैं। बच्चों की तरह रखें अपने डॉग्स को। जो खाना है हमें अपना खाना मिले ना मिले, इनका भरपूर जो प्रोटीन बेस अच्छा फूड, मतलब ये नहीं है कि वो बैग बहुत कॉस्टली है, मैंने कमाए तो है नहीं इतने, है ना। तो बच्चों की तरह जो लोग रखते हैं एथिकल ब्रीडर, मेनली मैं उनको मानता हूँ। Yo, what's up everybody? क्या हाल चाल? So, आज का जो व्लॉग है बहुत ज्यादा खास होने वाला है, बिकॉज ठंड का मौसम है और मैं हूँ फिलहाल कुरुक्षेत्रा के पास जो है चडुनी गांव के अंदर हमारे तरनजीत पाजी से मिलने आया हूँ। बहुत सारे कमेंट आए इंजीनियर्स कैनल की वीडियो, तो फाइनली मैं लेकर आया हूँ आज नई इंजीनियर्स कैनल की वीडियो। नया डॉग आया है, हर बार की तरह वही एक सेम शेड्यूल हम फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पहुँच गए हैं वीडियो कवर करने। तो आइए, पीछे आप देख सकते हो पूरा प्रॉपर यहाँ पे गायों का भैंसों का जो है पूरा, यू नो, उन्होंने एक तबेला बनाया हुआ है और बढ़िया घर का दूध सब कुछ घर का चला हुआ। सत श्रीकाल दोस्तों, मेरा नाम तरनजीत सिंह और मैं चडुन्नी गांव का रहने वाला हूं, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्रा और हरियाणा के अंदर जो है। और मैं जर्मन शेफर्ड की ब्रीडिंग कर रहा हूं पिछले कई सालों से। पहले मैंने लगभग सारी ब्रीड्स रखी, बट एंड ऑफ द स्टोरी जर्मन शेफर्ड के अंदर जो मज़ा है, आप लॉयल्टी देखिए, आप गार्डिंग पर्पस से देखिए, बच्चों के लिए भी इंटेलिजेंस से देखिए, और जितने भी डिफेंस सर्विसेज सबके अंदर देखिए, आपको पूरा जर्मन शेफर्ड मिलेगा। लगभग 6-7 साल से मैं जर्मन शेफर्ड प्रोफेशनल तरीके से रख रहा हूँ, और डॉग्स मैं रख रहा हूँ लगभग 12-13 साल से, बट प्रोफेशनली जर्मन शेफर्ड मैंने शिफ्ट कर दिया था पिछले 5-6 साल से। तो अभी एट प्रेजेंट मेरे पास सभी जो कि है इंपोर्टेड जर्मन शेफर्ड हैं, वो जो कि अलग अलग कंट्रीज से हैं, लाइक रशिया, जर्मनी, सर्बिया, ऐसी अलग कंट्रीज से हैं, और ब्रीड इन इंडिया में कुछ भी नहीं है। फिलहाल फोकस ओनली ऑन जर्मन शेफर्ड। भाई जितनी बार मैं आता रहूंगा उतनी बार मुझे ऐसा लगता है कि डॉग्स यहाँ पर बढ़ते रहेंगे। कैसे हो भाजी? बस आपकी दुआ है जी। आइए आइए दोस्तों। वाओ, ओके। तो आज क्या नया आया है? थोड़ा वैसे तो इंस्टाग्राम पे जितने लोग इनको फॉलो करते हैं उन्होंने मेरी कमेंट्स भर दिए इंजीनियर कैनल की वीडियो, इंजीनियर कैनल की। मैं क्या, फिर मैंने ना सीधा स्क्रीनशॉट भेजा, मैं क्या भाई, फिर उन्होंने कहा 8 तारीख आ जाओ। तो क्या है, धन्यवाद पहले तो आपका जी और आपके कैमरामैन साहब का भी। तो अभी आज तो नया डॉग आया, करीबन 15-20 दिन हो चुके हैं, जो कि ब्लैक डॉग है अभी। वाओ, वो दिखाएंगे। क्या नाम है उसका डॉग का? उसका नाम है एस्कर्ट वॉम वेनेकन। पता नहीं भाई, एक तो नाम ऐसे ऐसे है ना, याद नाम मुझे भी नहीं याद रहते, नाम में रट्टा लगाया वीडियो बोला था, लोग बड़ा पढ़ा लिखा लोग। वाओ, आ जाओ। तो अभी आपने, मैंने एक चीज नोटिस करी है, सेटअप में भी कुछ नया चेंज आया है। क्या चेंज आया सेटअप में? सेटअप में एक तो ग्राउंड नया बनाया है जी, अरे वाओ, जो कि आपके मेरे ख्याल से लास्ट वीडियो में नहीं है। हाँ, बाकी तो वैसे ही है, पुराना पुराना सा। अभी आपने ड्रोन शॉट में देखा होगा ये नया ग्राउंड बना है, और पूरी प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड बनाया है। ट्रस्ट मी गाइस, ये इस साल मतलब शो सीजन तो मेरे को लगता है कि सारा का सारा तरनजीत पाजी और ही ले जाने वाले हैं जर्मन शेफर्ड का पूरी। देखो ऐसा नहीं, बहुत लोग हैं मेहनती, हम अकेले, नो डाउट, और डॉग्स भी अच्छे हैं इंडिया के अंदर, ऐसी बात नहीं, पर चलो कोशिश रहती है कि वेल ट्रेंड हो सारा सिस्टम और वेल मैनेज हो, कोशिश यही रहती है। वाह, तो अभी क्या नया डॉग लेके आ रहे हैं? अभी नया ला। वाह जी वाह, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो अभी नेक्स्ट क्लिप में आप नया डॉग देखें। जो नया डॉग है उसका नाम है एस्कर्ट वॉम वेनेकन, और वो टोटली जर्मन ब्लड लाइन है, जर्मनी के अंदर ब्रीड हुआ है, और जो ग्रोन अप हुआ है पोलैंड के अंदर, वहाँ से वो डॉग आया है। और 3 साल के आसपास कुत्ते की एज है, और उसको हमने स्टड के लिए भी जो है स्टार्ट कर दिया है, और नेक्स्ट सीजन के अंदर उसको शो भी हम करेंगे, क्योंकि वो शो के लिए भी अच्छा ट्रेंड है। और हमारे पास एक ऑलरेडी ब्लैक डॉग है, बट अब जैसे कि ब्लैक का अच्छा ट्रेंड है, तो इसलिए एक ब्लैक पे फोकस और करा है। अभी थोड़ी देर बाद आपको वीडियो के अंदर वो डॉग दिखाएंगे। तो लो गाइस, फाइनली हमारे कैमरा के अंदर अभी आ गया है ये नया जर्मन शेफर्ड डॉग। अरे भाई 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 भाई
बस 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 कर भाई, बस कर, बस करो भाई, बस करो। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है वो, पूरा करंट पूरा है डॉग में। अच्छा हाँ, उसका टॉय का फैन है। बस 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 भाई बस। ओके गाइस, तो फाइनली जो है नया इंपोर्ट, ये कौन सी कंट्री से इंपोर्ट है? ये आया इजिप्ट से है। अच्छा, बॉर्न इन जर्मनी है और ग्रोन अप इन पोलैंड है। अबे भाई, तीन चार पासपोर्ट है इसके पास तो, अलग 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 कंट्रीज के। वाह, इसको हाथ लगा लूं? हाँ बिल्कुल, शरीफ लौंडा है, खेलने वाला है। अरे इजी 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 इजी, बस बस। एक तो डर भी नहीं, नहीं खेल जर्मन शेफर्ड से डर तो लगना ही चाहिए। अगर जर्मन शेफर्ड से डर नहीं लगेगा तो ओ भाई 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 भाई, बहुत। कितना वेट होगा इसका, कितनी हाइट होगी, कोई अंदाजा? हाइट तो इसकी 65 है। ओके, और वेट किया? वाह जी। और ये इंडिया में आया है, ये जहाँ से आया वहाँ पे ठंड थी अभी या गर्मी से आया है? वहाँ तो ठीक था, पोलैंड के अंदर तो जैसे बर्फ ही है। हाँ, बट ये पिछले दो महीने से था इजिप्ट के अंदर। और अभी यहाँ पे इंडिया में आके इसको अच्छा लग रहा है? ठंडा मौसम, ठंडा ठंडा ठंडा, कूल कूल, इसके लिए मतलब बढ़िया हो गया ना, सही मौसम में होता है इंडिया सबसे बढ़िया। एक्चुअली ना जर्मन शेफर्ड के लिए तो यही मौसम जो नवंबर में मंगवाओ सबसे बढ़िया है, नवंबर दिसंबर 3-4 महीने अपने साथ सेट हो जाए। तो जैसे अगर किसी ने पप्पी लेके आना हो तो उसके लिए कौन सा मंथ आप सजेस्ट करते हो बेस्ट? लाइक की पप्पी, देखो जैसे पप्पी ब्रीड इन इंडिया है, यहाँ पे बच्चे पैदा हुए हैं, तब तो उनके लिए तो एनवायरनमेंट एक ही चीज है। एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम किसको है? जैसे आप इसको बर्फ वाले एनवायरनमेंट से ला रहे हो इंडिया के अंदर, वो भी मई जून के अंदर, तब प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर आप पपी तो आप किसी मंथ में ले लें, गर्मी में ले लें, सर्दी में ले लें, वो तो ग्रोन अप ही यहाँ है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। पपी यही हो, इन्होंने वो टेम्परेचर को अडॉप्ट कर सकते हैं। हां सर्वाइव करेंगे इजीली। तो अभी ये ऑलरेडी कुछ शोज वगैरह कर आया है वहाँ पे? नहीं, नहीं, वहाँ पे नहीं शो हुआ ये। ओके, इसको यहाँ पे करेंगे। तो अभी एक चीज मुझे और जाननी है कि जो ब्लैक जर्मन शेफर्ड होता है और नॉर्मल जर्मन शेफर्ड जो होता है, वो शोज के अंदर सेम कैटेगरी में लगते हैं? सेम कैटेगरी के अंदर, जो सिर्फ कोट का डिफरेंस रहेगा, जैसे ये लॉन्ग हेयर में है तो ये लॉन्ग हेयर कैटेगरी में खेलेगा। अच्छा, और जो स्ट्रोक हेयर है वो स्ट्रोक हेयर। आपने आज तक कभी ऐसा देखा है कि जर्मन शेफर्ड जो ब्लैक कलर का जर्मन शेफर्ड है वो बीट करता हुआ, मतलब जज वाइज जज? बिल्कुल बिल्कुल होता है जी, कोट कलर का कोई इशू नहीं है। कलर जैसे लैब्राडोर के अंदर कलर्स हैं, एक ही कैटेगरी में शो हो रहे हैं, उसका अपनी चॉइस है। जैसे किसी को ब्लैक पसंद है, ब्लैक जैसे रेयर है अभी, तो ब्लैक जर्मन शेफर्ड के अंदर मेनली रेयर है, लैब्राडोर के अंदर तो बहुत पुराना हो चुका है, तो रेयर है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखता है। तो इसकी क्रॉसिंग की कितनी फीस रहती है? अगर सपोज किसी के पास बहुत अच्छी, एक अच्छी लाइन की फीमेल है तो वो हमारे एस्टिमेटेड, हमारे पास एस्टिमेटेड फीस 60,000 के आसपास रहती है। बाकी डॉग टू डॉग वेरी और डाउन होती है, एवरेज प्राइस 50-60 के आसपास जो स्टड फीस नहीं, 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 इसका बनता भी है भाई। मेरे पास हो तो भाई मैं तो 2-2.5 लाख से कम तो इसका बच्चा मैं भी ना दूं किसी को, है ना, और अच्छे घर में दूं। हमेशा कोशिश करूं कि किसी अच्छे घर में पपीज जाएं। नहीं पुलकित, एक और बात भी है, देखो मेरा एक मानना है, मेरा बिजनेस का एक फंडा है कि देखो पहले हमने खूब रखे ब्रीड इन इंडिया डॉग, ठीक है, 10-20 हज़ार में ब्रीड इन इंडिया बच्चा आज भी मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मेरा मानना एक है, जब हमने सब डॉग इंपोर्ट रख लिए, ठीक है, वो आए कॉस्टली है, कुदरती बात है, वो स्टड भी कॉस्टली होंगे, उनके पपीज भी कॉस्टली होंगे। और एक जो मानने वाली बात ये है, जब आपने पप्पी की कॉस्ट सपोज करो 80,000-1 लाख कर दी, तो आपके पास अच्छे ही कस्टमर आएगा। हाँ, और जो 1 लाख पप्पी पे स्पेंड कर रहा है ना, वो 2 लाख रुपए का खाना भी खिलाएगा, वो खिलाता है, तो no doubt, इसलिए no हमने चीज ही वो रख ली। अब हमारे पास 5-10 हज़ार वाला कस्टमर आएगा ही नहीं, हम बोलेंगे हमारे पास वो चीज है ही नहीं जी, उसने फिर वो खाना भी वैसे ही देना है। देखो गाइज, ये हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि जो 5-10 हज़ार वाले पप्पी है वो अच्छे नहीं है, पप्पी सारे अच्छे हैं, डॉग लव इज डॉग लव, इस चीज को गलत वे में मत ले जाना। पर देखो अपना अपना फंडा है, एक मारुति गाड़ी भी है, एक मर्सिडीज भी है, दोनों अपनी चॉइस है और दोनों सेल होती है। ये नहीं है कि मारुति वालों को हम गलत बोल रहे हैं, ऐसे हमारे पास खुद भी है भैया अल्टो, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बट वो अपनी अपनी चॉइस है, बताने का तरीका, जेब में वैसा अगला खर्च लगा। बिल्कुल, क्योंकि ना कई लोग हमारी वीडियोस जो देखते हैं वो डॉग लवर्स नहीं होते, उनको डॉग लाइंस का कुछ नहीं पता होता, उनको कोई नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस से देखते हैं, एक नॉलेज के पर्पस से देखते हैं, तो हमें उनको भी जरूर होता है एक मैसेज कन्वे करना कि क्या लाइन है, कैसे बिजनेस डेवलप होता है। बिकॉज मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, तरनजीत पाजी के इकलौते ऐसे ब्रीडर हैं अब तक जो है हमारे पूरे हरियाणा पंजाब में जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा वीडियोज़ बिजनेस वाइज बनी है। बिकॉज ही वॉज अ इंजीनियर, इंजीनियरिंग छोड़ के एक अच्छी खासी हाईली पेड तनख्वाह छोड़ के यहाँ पर आकर डॉग्स में डॉग वाला सारा कुत्ता में कुत्ता हो जाते हैं, कहते कीड़ा है जी जर्मन शेफर्ड ब्रीड का, तो ऐसा कीड़ा है। मैं तो ये मानता हूँ कि जिसने एक बार जर्मन शेफर्ड रख लिया ना, हाँ, वो लाइफ टाइम आगे जनरेशन तक बल्कि उनकी, हाँ,
दादे रखा तो आगे पोता हाँ। भी 150% रखेगा ही रखेगा। बिल्कुल ये तो ब्रीड ऐसी है। बिल्कुल नो डाउट, ये तो मानना पड़ेगा। वाओ, तो अभी गाइस बारी है, मैं एक बार इसको थोड़ा सा प्यार कर लेता हूँ, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा कोशिश क्या करता हूँ जब भी मैं किसी डॉग से मिलता हूँ, जस्ट ट्राई टू बी फ्रेंडली, ताकि आप सभी को भी पता लगे इन डॉग्स का टेम्परामेंट कैसा है। और जब भी आपने कभी किसी नए डॉग से मिलना है, सपोज अगर आप किसी नए डॉग से मिल रहे हो, पहले तो उससे मालिक से परमिशन ले ले कि भाई ये काटता तो नहीं है। तो भाई ने तो मेरे को परमिशन दे दिया है, फिर भी देर इज़ अ वे। सबसे पहले आप उसको खुद को स्निफ करने दें, ठीक है, उसको फील कराए कि आप उसको थ्रेटन नहीं है, मतलब आप उसको डरा नहीं रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके उसके सिर पे हाथ फेरना शुरू करें। पहले ही पीछे से अगर आप उसको टच करोगे, हो सकता है वो रिएक्ट करे, क्योंकि वो थ्रेटन फील करेगा, वो अपने बचाव में करेगा वो चीज़, है ना। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है गाइस, इफ़ यू आर अ लाइक डॉग लवर और आप डॉग्स को दूसरे डॉग से इंटरेक्ट करना चाहते हैं। ये देख रहे हो उसके दांत ऐसे है ना गाइस, ट्रस्ट मी, अगर ये किसी को पकड़ ले, किसी को पप्पी कर दे, तो वो पप्पी का निशान बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। पप्पी तो ये फीमेल्स पे ही करते हैं। वाओ, तो अभी पाजी बारी है मेरे को। एक बार अब यहाँ पर आया हूँ तो एक डॉग देख के तो मैं जाने से रहा, मेरे को आपके सारे डॉग्स देख रहे हैं, तो एक एक करके हम सभी डॉग्स को बाहर निकाल लेते हैं। देखो जो मेरा तरीका है, मेरे पास लगभग इस फार्म के अंदर सभी स्टड डॉग्स हैं, और जो फीमेल्स हैं वो पार्टनरशिप में इधर उधर दे रखी हैं मैंने। यहाँ पे ओनली स्टड मेल डॉग जो हैं, क्योंकि मेल फीमेल आपस में काम नहीं चलता, जैसे ड्यूरिंग द हीट फिर फीमेल से जो स्मेल प्रोड्यूस होती है तो मेल्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, आपस में झगड़ते भी हैं और ये चीज़ें सब। तो जो हमारी इनकम का जो तरीका है वो स्टड सर्विस है हमारे पास, जो कि अलग अलग डॉग हमारे पास इस टाइम 7 डॉग हैं जो कि स्टड के लिए ओपन हैं, और बाकी जो है कुछ फीमेल्स हैं उनको फिर ब्रीडिंग करा के उनके जो पपीज सेल करते हैं, ये हमारी इनकम का प्रोसेस है। और हमारे पास कुछ 5-7 तरह के जो कि फूड और सप्लीमेंट जो इम्पोर्टेड हैं वो भी अवेलेबल हैं, जो हम बच्चों के साथ देते हैं, क्योंकि मार्केट में वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। तो ऑल काइंड ऑफ दिस ये हमारे पास जो है। ओके गाइस, तो अभी बारी है और जितने भी डॉग्स हैं भैया के उनको लेके आने की। तो अभी यहाँ पर ही आ चुके हैं। ज़िफ्ट है ये, एक ले। ये ज़िफ्ट है, तो इनका सबसे पुराना डॉग जो है अभी फिलहाल के लिए, सबसे प्यारा, सबसे प्यारा हरमन प्यारा वो है ज़िफ्ट। और ज़िफ्ट आ चुका है। ये कौन सा डॉग है? ये वॉल्विक है। तो गाइस एक चीज देखने वाली है, इतने सारे जो डॉग्स हैं, जरूरी नहीं है कि सभी डॉग्स की आपस में बनती हो, कैसे करते हैं उनको मेंटेन भाई इतने सारे डॉग्स को? ग्रुप बना रखे हैं इनके। अच्छा, अलग अलग चल रहा है ग्रुप है जी, अलग अलग बनती है उसके वैसे ग्रुप है। तो गाइस अभी जो है और भी डॉग्स आ गए, अब टोटल जो है 5 डॉग हम बाहर ले आए हैं। ये वाला कौन सा है? सेकंड वाला ये जैक्स, और वो फिलहाल इंडिया में किसी जर्मन शेफर्ड डॉग के पास वो अवार्ड नहीं है, वो इंटरनेशनल शो होता है, वो अवार्ड मिलता है ऑल ओवर, जैसे टोटल ब्रीड उसके अंदर होती है शो के अंदर, और जैसे 500 डॉग हैं हर एक ब्रीड के मिलाकर टोटल, तो उसमें सिर्फ एक डॉग को वो चूज करता है। वो क्या बात है, देख रहे हो गाइस, तो इतने सारे डॉग्स के लिए ना इतनी मेहनत लगती है। और आप वीडियो को अगर लाइक नहीं करोगे ना, तो ट्रस्ट मी गाइस मजा नहीं आएगा मेहनत करने का। वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो। और अभी तो देखो, अभी तो वहां पे भी और जंग चली हुई है वहां पे। तो ये वाला तो लास्ट टाइम कैपो मैंने आपको दिखाया था, ये मेरे हिसाब से अभी पूरे अपने डॉग्स के पैक में सबसे ऊंचा चढ़ा डॉग यही है। वाओ, और ये वाला सेकंड वाला ये जैक्स है। तो अभी इनमें से किसी को दोबारा से आप रिंग में लेके गए डॉग शो के लिए? हाँ। कौन सा डॉग गया अभी रिंग में? ये आईबोर गया है। अच्छा, मैक्सिमस गया है। वाओ जी, बहुत सही, बहुत सही गाइस। तो अभी आप मार्को वाला डॉग तो दिखाओ जो आपका बुलाते हैं उसको। चलो ठीक है भाई, अभी जिसको दिखाएंगे उसको, उसको सबसे अलग दिखाना है, है। अरे ओके, तो जो सबसे मेन पॉइंट है एथिकल ब्रीडर का, कि वो इनको इनकम के तरह से ना यूज करे, कि मैंने एक बिच ले ली वो लीटर दिया तो ठीक है, नहीं तो उसको बेच दो, है ना। बच्चों की तरह रखें अपने डॉग्स को, जो खाना है हमें अपना खाना मिले ना मिले, इनका भरपूर जो प्रोटीन बेस अच्छा फूड, मतलब ये नहीं है कि वो बैग बहुत कॉस्टली है, मैंने कमाए तो है नहीं इतने, है ना। तो बच्चों की तरह जो लोग रखते हैं एथिकल ब्रीडर, मेनली मैं उनको मानता हूँ, कि अपना घर छोटा हो लेकिन
कुत्तों को जो है स्पेस वो पूरा चाहिए, कुत्तों को बच्चों की तरह रखो, ठीक है, एक एनिमल है, उनके अंदर हर तरह की फीलिंग है, कि अपने बच्चों की तरह आप उनको रखो। एथिकल ब्रीडर मेनली मैं उनको मानता हूँ। देखो ब्रीडिंग है कम कीजिए, बट आपका डॉग कोई भी देखने है हमेशा हेल्थी कंडीशन में हो, उसको अच्छा प्रोटीन फूड, अच्छा जो मल्टीविटामिन सब चीज़ें आप दीजिए। अगर हम जब जिस दिन हम ये कॉस्ट कैलकुलेट करना छोड़ देंगे, ये तो डॉग 5-10 हज़ार का मेरा खाई गया, वो जानवर है जी, जानवर अपना पैसा हमेरा पूरा हमेशा पूरा करता है। चाहे आप गधा पाल लीजिए, चाहे सुअर पाल लीजिए, कुत्ता पाल लीजिए, कुछ भी, वो हमेशा अपने हक का जो खाता है वो हमेशा पूरा करके जाते हैं। ओके गाइस, तो अभी बारी है जिस डॉग के बारे में हम बात कर रहे थे। वैसे तो मैक्सिमस के बारे में आपको सभी को पता है, अगर आप पहले से मेरी वीडियोस फॉलो करते हो या भाई को फॉलो करते हो, बट आज मैक्सिमस का दोबारा से एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हमारे नए व्यूअर्स के लिए। तो एक चीज मुझे बताओ, इसकी एज कितनी है अभी एग्जैक्ट? ये हो गया जी 5.5-6 के आसपास होगी। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे ये ग्रैंड चैंपियन है, ठीक है ना, ग्रैंड विनर अवार्डी जी, वाओ। तो जो बाइट वर्क होता है इनका, वो बाइट वर्क भी करवाते हैं जो बाजू वाला? यहाँ पे नहीं करवाते, पर बाहर कराए, बाहर हाँ जर्मनी के अंदर इसका हो रखा है, वहाँ करवाते हैं। मतलब टिक है वहाँ, एक्चुअली क्या है कि जो कोरुंग है और IGP है, अलग अलग ट्रेनिंग्स के नाम है वहाँ, बाइट वर्क होता है, उनके नंबर होते हैं, उस हिसाब से वो डॉग्स को आगे रखते हैं जो बेस्ट करता है। मतलब इसने बेस्ट परफॉर्म किया हुआ है अपनी तरफ से। और यहाँ जैसे इंडिया में वो टेस्ट नहीं होते ना, तो यहाँ पे सिर्फ मूवमेंट के बेसिस पे ही डॉग को आगे पीछे करते हैं, तो वहाँ सारे मूवमेंट वाला चैप्टर सबसे जर्मन शेफर्ड के, तो उसमें वहाँ पे पूरा, क्योंकि ना एक्चुअली जर्मनी और अलग अलग कंट्रीज में ना जर्मन शेफर्ड के डॉग शोज को एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है, ठीक है, इतने सारे लोग, और गाइस ट्रस्ट मी, वहाँ पे जितने सारे लोग होते हैं ना, सभी के सभी एक टॉप क्लास फैमिली से आते हैं, एक टॉप क्लास शौक पालते हैं वो, है ना, शौक है। और मेनली 100 में से जो 60 ब्रीडर्स हैं वो लेडीज हैं, और यहाँ कहाँ जी, यहाँ तो एक दिख जाए कोई बेचारी, है ना, हाँ वाह, है ना। तो अच्छा लेडीज का और भी है जी, वो हमारे हमारा रखना हो रहा है, उनका रखना कुछ और है, वो थोड़ा ज्यादा प्यार से रखते हैं, इसलिए ये ब्रीड थोड़ी लवेबल ब्रीड है, और हर एक डॉग प्यार मानता है, ये तो मानना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा तरनजीत पाजी दोबारा से आपसे मुलाकात करके, हर बार की तरह, और इस बार तो हमने कोशिश की है कि कुछ अच्छे तरीके से तरनजीत पाजी की स्टोरी को दिखाएं। बाकी गाइस आप तरनजीत पाजी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आपको डॉग से रिलेटेड, जर्मन शेफर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी सारी डिटेल मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद जी आपका, मिलते हैं आप अगले डॉग के साथ।